जिनके घर वाले आर्मी में नहीं है वो तो आर्मी वाले लोगों का मजाक उड़ाते ही है, फर्क नहीं पड़ता है। आर्मी वालों के परिवार वालों के ऊपर जो है इतनी गंदी गंदी फिल्म जो है भारत में बन चुकी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं देश के सेलिब्रिटी जो बड़े बड़े अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं उन लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि कभी कभी आप जो है भारतीय सेना का अपमान करने का प्रयास करते हैं वो गलत है। हो सके तो कहीं भी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो या आर्मी के जवान हो, उन्हें सम्मान देने का प्रयास करें। साथ ही साथ पाकिस्तान बॉर्डर पे जो है वो हमारा बीएसएफ खड़ा रहता है, बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ खड़ा रहता है, नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी खड़ा रहता है और चीन बॉर्डर पे आईटीबीपी खड़ा रहता है। पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी दोनों में फर्क होता है लेकिन देश के 90% लोग नहीं जानते। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जीरो पॉइंट पर स्थित ये मंदिर ऐतिहासिक है। 1965 युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान ने छल करने का प्रयास किया तो ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित माता ने भारतीय सेना का मदद किया था। मैं माता से प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे देश के जवानों का जान जो है हमेशा ऐसे ही सलामत रखना और पूरे देश में पाकिस्तान का बॉर्डर गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, कश्मीर से लगता है लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने इस बॉर्डर से फिर दोबारा हिमाकत नहीं किया भारत में घुसने का, क्योंकि माता का साक्षात आशीर्वाद जो है भारतीय सेना पे रहता है। यहाँ पे पुजारी भी जो है हमारे भारतीय सेना के जवान ही रहते हैं और ये बॉर्डर पर स्थित है मंदिर, जरा सोचिए। और आज तक एक भी बम जो है पाकिस्तान ने जो है इधर फेंकने का प्रयास नहीं किया क्योंकि माता जो है भारतीय सेना के साथ है। मैं देश के नेताओं से भी विनती करना चाहता हूं कि हमारे देश के जवानों के साथ जो है ना भगवान भी खड़े रहते हैं। मैं देश के सेलिब्रिटी जो बड़े बड़े अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं उन लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि कभी कभी आप जो है भारतीय सेना का अपमान करने का प्रयास करते हैं वो गलत है। और ये जीरो पॉइंट है और यहाँ के ये लोग हैं, ये किताब है, आप इस किताब को लेके पढ़ सकते हैं। जो मैं बात बोल रहा हूँ वो एकदम सत्य है। किताब के 16 नंबर पेज पे ये सारी बातें लिखी गई है, ये सारी की सारी बातें लिखी गई है कि कैसे जो है माता ने जो है भारतीय सेना के जवानों का मदद किया। यहाँ पे एक अधिकारी थे, उनको सपने में माता आई और उन्होंने बताया कि आप इस रास्ते से जाओ, यहाँ से ऐसे जाओगे तो पाकिस्तान जो है हार जाएगा। सही है, सही है। और पाकिस्तान जो है इस रास्ते से चढ़ाई करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ जो है हमारे भारतीय सेना के जवान जो है पाकिस्तान के अंदर तक चले गए थे लेकिन जब शिमला समझौता हुआ तो उस समय जो है कुछ गांव जो है शिमला समझौता के तहत जो है पाकिस्तान को दे दिया गया, वरना वो भी गांव जो है हिंदुस्तान में ही रहता। और कमाल का ये जगह है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ और यहाँ पे कुछ नहीं होता था। और जब से माता का मंदिर का स्थापना हुआ तब से जो है मतलब कि यहाँ पे जो है खेती बाड़ी भी होती है, यहाँ के लोग भी खुशहाल हो गए। देखिए कुछ लोग जो है इसे अंधविश्वास कहेंगे, वो आपकी मर्जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे भगवान में आस्था है और आस्था इसलिए भी है कि कल रात में हम लोग जब बॉर्डर पे आए थे तो हम लोगों ने सोचा कि रात में बॉर्डर पे करेंगे और समय बचेगा तो माता के मंदिर में जाके दर्शन करेंगे और उसके बाद से निकल जाएंगे। हम लोगों ने गलती ये किया कि हम लोग बिना माता का दर्शन किए हुए निकल रहे थे। हमारा गाड़ी का टायर जो है 4 बार पंचर हुआ, गाड़ी का स्टेपनी जो है उसका हवा निकल गया। जरा सोचिए, रात में हम लोग जो है पेट्रोल पंप पे सोए, कोई होटल नहीं मिला। अगले दिन सुबह हम लोग भागे आए, यहाँ पे स्नान ध्यान किए और माता के दरबार में आए। बस हर बॉर्डर पे मैं माता से प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे ही हमारे भारतीय सेना के जवानों का जान का सुरक्षा करने के लिए खड़ा रहना, क्योंकि हमें पता है मेरे दादाजी जो है वो चीन के युद्ध में लड़े हैं, मेरे पिताजी जो है वो आर्मी में हैं, मेरे बड़े पापा जो है वो आर्मी में, कश्मीर में वो लोग जो है पत्थर खाए हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर पे रहे हैं, गुजरात में रहे हैं, राजस्थान में रहे हैं, तो हम इस दर्द को समझ सकते हैं।
जिनके घर वाले आर्मी में नहीं है वो तो आर्मी वाले लोगों का मजाक उड़ाते ही है, फर्क नहीं पड़ता है। आर्मी वालों के परिवार वालों के ऊपर जो है इतनी गंदी गंदी फिल्म जो है भारत में बन चुकी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सेंसर बोर्ड को उसका मान्यता नहीं देना चाहिए। और बगल में ही पाकिस्तान बॉर्डर है, बगल में ही। और अगर जैसे मेरे ही पिताजी या जितने भी आर्मी के जवान हैं अगर वो बॉर्डर पे नहीं खड़े रहेंगे तो शायद जो है देश का कोई भी व्यक्ति जो है चैन और सुकून से नहीं सोएगा। तो कम से कम हमारे देश के जवानों का आप लोग अपमान ना करें, और हो सके तो कहीं भी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हो या आर्मी के जवान हो, उन्हें सम्मान देने का प्रयास करें। साथ ही साथ पाकिस्तान बॉर्डर पे जो है वो हमारा बीएसएफ खड़ा रहता है, बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ खड़ा रहता है, नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी खड़ा रहता है, और चीन बॉर्डर पे आईटीबीपी खड़ा रहता है। पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी दोनों में फर्क होता है, लेकिन देश के 90% लोग नहीं जानते। जान तो दोनों देते हैं, देश का रक्षा दोनों करते हैं, लेकिन आर्मी को पेंशन दी जाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं दी जाती। हालांकि मेरे पिताजी पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं है, मेरे पिताजी आर्मी में है, मेरे दादाजी भी आर्मी में थे, मेरे बड़े पापा भी आर्मी में, उन लोगों को पेंशन मिलता है। लेकिन ये बॉर्डर को सुरक्षित करने वाले बीएसएफ के जवान को पेंशन क्यों नहीं मिलता है, एसएसबी के जवान को पेंशन क्यों नहीं मिलता है, आईटीबीपी के जवान को पेंशन क्यों नहीं मिलता है? बस और कुछ भावनाएं हैं जो आंखों से निकलता है, हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और हम लोग यहाँ से जा रहे थे कल रात में, लेकिन वहीं गाड़ी का 4 बार टायर पंचर होना मतलब कि अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। 1,00,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया है, मेरे साथ निलोत्पल मृणाल भैया है थे, उन्होंने कम से कम 3,00,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलाया। हमारे लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग 5 बजे इस बॉर्डर पे पहुंचे, उसके बाद से जो 0 पॉइंट है वहां पे गए, और हम लोग जब बॉर्डर पे पहुंचे थे तो कहे थे कि हम लोग माता का दर्शन करेंगे, और गलती से हम लोग यहां से निकल रहे थे, माता ने हमें बुला लिया। बस इस देश के सभी लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि भारतीय सेना के बारे में अगर जानना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में अगर जानना है, तो एक बार बॉर्डर पे जरूर आए। मैं इस कश्मीर में भी बॉर्डर पे जा चुका हूं, पंजाब में भी बॉर्डर पे जा चुका हूं, भारत नेपाल बॉर्डर पे जा चुका हूं, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे जा चुका हूं, गुजरात में जो ये बॉर्डर स्थित है यहाँ पे आ चुका हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और बस आखिरी में माता से मैं फिर से प्रार्थना करूँगा कि हमारे देश के जितने भी जवान उनका जान जो है आप हमेशा ऐसे ही सलामत रखना। बस जय हिंद।